नमस्ते दोस्तों, आज हम सीखेंगे JDK 12 और 13 का एक नया फीचर जिसे हम कहते हैं एनहांस्ड स्विच। दोस्तों, मेरा नाम है भूपेंद्र खिलरानी और मेरा चैनल है टेक अप गुरुजी और कोड विद भूपेंद्र। जब हम कन्वेंशनल स्विच स्टेटमेंट यूज करते हैं तो हम कुछ हिस्से से लिखते हैं, जैसे हमें प्रिंट करवाना है कि यूजर ने जो मंथ रिपोर्ट किया उस मंथ में कितने डेज हैं, जैसे जनवरी में 31, फरवरी में 28 या 29, इस तरह से करते करते दिसंबर में 31 डेज। लेकिन दोस्तों, इसी को इम्प्रूव किया गया है JDK 12 और 13 में, जिसमें हम हर स्विच केस में मल्टीपल लेबल्स स्पेसिफाई कर सकते हैं, जैसे केस 1.2। तो इससे फायदा ही होगा कि आप एक ही केस में कई वैल्यूज स्पेसिफाई कर सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ये फीचर भी प्रीव्यू मोड में है और बाय डिफॉल्ट डिसेबल्ड रहता है। तो मैं आपको प्रोग्राम के दौरान सिखाऊंगा कि कैसे हम इसे एनेबल कर सकते हैं। अब आप लोगों के लिए मैं कुछ प्रोग्राम्स कवर करने वाला हूँ। मैंने आप लोगों के लिए बेसिक प्रोग्राम लिखे है जिसमें मैंने इम्पोर्ट किया है स्कैनर क्लास को, पब्लिक क्लास मैंने बना दिया है और मेन फंक्शन मैंने स्कैनर क्लास का एक प्रयोग बना दिया जिससे कि हम यूजर से इनपुट ले पाएँ। अब मैं एक मैसेज डिस्प्ले कर रहा हूँ, एंटर मंथ नंबर, और हम यहाँ पे इंटीजर एम लेके लिख रहे हैं एस डॉट नेक्स्ट इन स्विच एम केस 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12। हम जानते हैं कि इन मंथ्स में डेज होते हैं 31, तो हम लिख सकते हैं सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटलिन 31 डेज। तो हम चाहते हैं कि 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12 इन सभी केसेस में 31 डेज। अगर केस 2 हो तो उस केस में आए 28 और 29 डेज। अब इस केस स्टेटमेंट की बेनिफिट है कि आपको ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, बाकी जितने भी मंथ्स हमारे बचे हैं उनमें हम डिफॉल्ट स्पेसिफाई कर सकते हैं 30 कर दिया। तो प्रोग्राम तैयार हो चुका है, इसे सेव कर लेते हैं। तो इससे मैंने अपने के लिए JDK 13 में बिन में सेव किया हुआ है एनहांस्ड स्विच नाम से। अब इस प्रोग्राम को मैं कंपाइल कर रहा हूँ तो आप देखेंगे हमें कुछ एरर मैसेज शो होंगे। लिखा रहा है कि मल्टीपल केस टेबल्स आर प्रीव्यू फीचर्स एंड आर डिसेबल्ड बाय डिफॉल्ट। तो देखिए इसे कैसे एनेबल करना है। तो लिखेंगे जावा सी माइनस सोर्स 13, यानी हम JDK 13 यूज़ कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि जो प्रीव्यू फीचर्स हैं वो एनेबल हो जाए, और फिर फाइल नेम। तो अब आप देख सकते हैं हमारी कोडिंग कंपाइल हो गई है। अब इसे रन करते हैं, तो रन करने के लिए लिखेंगे जावा एनेबल प्रीव्यू और फिर फाइल का नाम, तो एनहांस्ड स्विच। हमसे मंथ नंबर पूछा जा रहा है, हमने कहा 1, तो कह रहा है कि जनवरी में 31 डेज। फिर से रन करते हमने कहा 2, तो लिखा रहा है 20 to 29 डेज, और अब हम कह रहे हैं फिर से इसे रन करके 6, तो लिखा है इसमें 30 डेज होते हैं। कि गिवन करेक्टर वॉविले की कौन सा, तो इस प्रोग्राम को मैं नए नाम से सेव कर देता हूँ। अब अगले एग्जाम्पल में हम यूज करना चाहेंगे किसी करेक्टर या स्ट्रिंग को ये चेक करने के लिए कि हम जो करेक्टर इनपुट किया वो वॉवल की कॉन्सोनेंट। तो सबसे पहले मैं यूजर्स को एक मैसेज दे रहा हूँ, एंटर अ करेक्टर, और हम लिख रहे हैं स्ट्रिंग एम इक्वल टू एस डॉट नेक्स्ट लाइन एम। अब मैं केसेस बनाने पड़ेंगे, केस ए, ई, आई, ओ, यू, कि ये एक वॉवल है। लेकिन अगर इसके अलावा कोई केस हो तो हम कह सकते हैं कि वो कॉन्सोनेंट है, तो मैं यहाँ पे डिफॉल्ट लगा दिया कि इसके अलावा अगर कुछ होगा तो उससे वो कहेगा कॉन्सोनेंट। इस फाइल को मैंने सेव किया एनहांस्ड स्विच 2 नाम से। अब इसे हम कंपाइल कर लेते हैं, अब इसे रन कर लेते हैं।
हमसे करेक्ट पूछा कि हमने कहा ए तो कह रहा है वॉवल में, हमने कहा यू तो उससे भी वॉवल कह रहा है, लेकिन जैसे हमने कहा डी तो कह रहा है कि वो एक कॉन्सोनेंट है। मैं आप लोगों के लिए एक और तीसरा प्रोग्राम बना रहा हूँ जिसका मैं नाम दे रहा हूँ एनान स्विच थ्री। अब यहाँ पे हम कह रहे हैं एंटर मंथ नेम, इन सब केसेस में आए इट कंटेन्स 31 डेज। अगर केस टू हो यानी केस फैब डिफॉल्ट 30 डेज, इसे सेव कर लेते हैं और इसे रन कर लेते हैं। हमसे मंथ का नाम पूछा कि तुमने कहा जनवरी तो लिखा रहा 31 डेज, हमने कहा मार्च तो 31 डेज, हमने कहा फेब अगर हम कहें जून तो 30। दोस्तों आप सभी का शुक्रिया मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर और लाइक कीजिएगा।